दिल्ली की रहने वाली थी, दिल्ली की दिल्ली में शादी हो गई, ससुराल आ गई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे की शादी हो गई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, चला फिरा नहीं गया, तो आखिरी बार वृंदावन गई और वहाँ से एक लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आई। बोली, कन्हैया बहुत आई तेरे पास, लेकिन अब पाँव में दर्द रहने लग गया, तबीयत खराब रहने लग गई, लेकिन तेरी एक लड्डू गोपाल की मूर्ति लेके जा रहे हूँ, इस बूढ़ी माँ को याद करते रहना, वही सेवा करूँगी। ले आई लड्डू गोपाल को अपने घर, घर में विराजमान कर दिया। और कैसे सेवा करती थी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या बात है, वो अपने कृष्ण लला को कलेजे लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लडा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लडा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भक्त, बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और यहीं से खेल शुरू होता है, रोज अपने लल्ला को नहलाना धुलाना, नए नए कपड़े पहनाना, माखन मिश्री का भोग लगाना। अरे काम और करती थी, उसको गोद में लेके उछालती थी, लल्ला समझती थी ना। लेकिन जब जन्माष्टमी का दिन आया तो ये सब करना तो बहुत दूर की बात है। बूढ़ी माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई, बदन में दर्द हो गया, बुखार चढ़ गई, बिस्तर पकड़ लिया। अरे ऐसी खटिया पकड़ी, सेवा करना तो बहुत दूर की बात, अपने लल्ला को देख भी न सकी, अपने लल्ला से मिल भी न सकी। अपने बेटे बहू को बुलाकर बोली, बेटा मैंने आज तक इसकी सेवा किसी को नहीं करने दी, लेकिन आज मैं मजबूर हो गई, मेरी तबीयत खुद की इतनी खराब है कि मैं सेवा नहीं कर सकती, और ऊपर से आज इसका जन्मदिन है, मेरे लल्ला को दूध से स्नान करा दो, माखन मिश्री का भोग लगा दो, और हाँ थोड़ा खीर चूरमा बना देना, इसका जन्मदिन है। बेटे बहू ने इसको काम समझा, या चलो फटाफट काम सलटाते हैं, इतना सारा काम बता दिया। हड़बड़ी में कपड़े बदलने के लिए जो ही मूर्ति को उठाया, मूर्ति हाथ से छूट गई। बूढ़ी माँ की आंखें नहीं देख सकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसका कलेजा धक से रह गया। चिल्लाकर बोली, अरे बेटा मेरा कलेजा क्यों कांप रहा है, किस चीज की आवाज थी। बहू पलट कर बोली, कुछ नहीं अम्मा सो जाओ, ये जरा मूर्ति गिर गई थी, उठाकर वापस रख दी, इतना सुनना था, हाय राम मेरे लल्ला को गिरा दिया। देखिए जरा बूढ़ी माँ का हाल। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाँ ये क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, जाओ डाकर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जो ही माँ के मुंह से निकला, जाओ डॉक्टर को लाओ, बेटे के मुंह से निकल गया, माँ इसके लिए डॉक्टर, तेरी तबीयत नहीं, तेरा दिमाग भी खराब हो गया, सो जा, बहम न कर, ये भी बुखार चढ़ने से तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बूढ़ी माँ को गुस्सा आ गया, क्यों मेरा दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है, जैसे तू मेरा लल्ला वैसे ये मेरा लल्ला,
अरे तूने इसको इतनी ऊपर से गिराया, पता नहीं इसको कहां कहां चोट लगी होगी, पता नहीं मेरा लल्ला किस हाल में होगा, जल्दी से डॉक्टर लेके आ। बेटा समझ गया ये तो जबरदस्ती मतलब डॉक्टर को बुलाने पे तुल गई है बिल्कुल। बेटे ने सख्ती से मना किया, बोले माँ तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं डॉक्टर लाने नहीं जाऊंगा, ये तेरा बहम निकाल दे। क्यों? कल को मैं डॉक्टर लाने गया तो डॉक्टर हंसी उड़ाएगा कि मूर्ति के लिए बुलाने आया है, पड़ोसी देखेंगे तो पड़ोसी हंसेंगे, अरे ये माँ तो पागल थी, बेटे बहू भी पागल हो गए, मैं डॉक्टर लाने वाला नहीं हूं। जब बूढ़ी माँ को भरोसा हो गया कि डॉक्टर लाने वाला नहीं है, छाती पीटने लगी, रोने धोने लगी, हल्ले गुल्ले की आवाज सुनकर, रोने धोने की आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए। पड़ोसियों ने पूछा, अरे भाई ये किस बात का रोना धोना सुबह सुबह पहले? बूढ़ी माँ का बेटा बोला, भाई साहब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। उसने सारी बात पड़ोसियों को बताई। एक बूढ़ा पड़ोसी बहुत समझदार था, बोला बेटा डॉक्टर लाना कौन सी बड़ी बात है, डॉक्टर फीस तो लेगा, उसको पहले ही दे दे, और उसको ये समझा दे कि बीमारी का मामला नहीं है, ये भक्ति का मामला है, ये दीवानगी का मामला है, डॉक्टर समझदार होते हैं, वो तेरी बात सुनकर जरूर आएंगे। बेटे ने दुख मन में सोचा कि चलो कोशिश कर लेते, कोशिश करने में क्या बुराई है। फीस का रुपया जेब में रखा, बोला माँ तू चुप हो जा, मैं डॉक्टर लाने जा रहा हूं। माँ को तसल्ली हो गई, शांत हो गई, डॉक्टर का इंतजार करने लगी। बेटा गया डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर साहब हाथ जोड़ता हूँ, मुझे पागल मत समझना, मेरी माँ जरा सी पागल हो गई है, ये फीस के पैसे देता हूँ, पहले ही रख लो, चलकर मेरी माँ को समझा दो। डॉक्टर भी घबरा गया, बोले बेटा तू कैसी बहकी बहकी बात कर रहा है। बेटे ने सारी बात बताई, माँ कैसे बचपन में वृंदावन जाया करती थी, कैसे आज सुबह सेवा करते समय मूर्ति छूट गई। डॉक्टर ने पूरी बात ध्यान से सुनी, मन में सोचा फीस तो मिल रही है, अगर मेरे समझाने से किसी बूढ़ी माँ की जिंदगी बचती तो चलता हूँ। फीस का रुपया जेब में रखा, जिस बक्सा से कारोबार करता था उठाई, घर पे आ गया, गलती एक ही कर गया, सीधा बूढ़ी माँ को ज्ञान देना शुरू किया, न तो लल्ला को देखा, न लल्ला को चेकिंग करी उसने, उसने तो बूढ़ी माँ को सीधा ज्ञान देना शुरू किया। देखो बूढ़ी माँ से डॉक्टर क्या बोला, बना पीतल से मैया ये तेरा श्याम सलोना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना, सारी दुनिया में ढूंढो बहम की दवा नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है, केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये, मूर्ति है बेजान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जो ही डॉक्टर बोला मूर्ति है बेजान, बूढ़ी माँ को गुस्सा आ गया, बोले डॉक्टर एक बात बता, तुझे डॉक्टरी सर्टिफिकेट दिया तो किसने दिया, तुझे डॉक्टर किसने बना दिया। डॉक्टर को भी गुस्सा गया, बोला क्यों माँ क्या गलती हो गई, बोला जिंदगी में मैंने ऐसा पहला डॉक्टर देखा जो मरीज को चेकिंग नहीं करता है बल्कि ज्ञान देता है। डॉक्टर का फर्ज बनता है पहले वो मरीज की चेकिंग करे, मैंने तुझे अपने लल्ला के लिए बुलाया था, ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया, क्या तूने मेरे लल्ला को एक बार भी देखा। डॉक्टर गर्दन नीचे करके हंसा, हे भगवान किस पागल के हत्थे चढ़ गया, अब इस लल्ला को चेकिंग भी करनी पड़ेगी। बोला डॉक्टर ने मन में सोचा चलो बूढ़ी माँ है दिमाग खराब है, बोला अच्छा ला माँ तो एक काम कर तेरे लड्डू गोपाल को मेरी गोद में दे दे, मैं तेरे सामने चेकिंग करता हूँ। उसने लड्डू गोपाल को अपनी गोद में ले लिया, डॉक्टर ने मूर्ति के माथे पर हाथ रखा, देख माँ तेरे सामने चेकिंग कर रहा हूँ, बोल क्या है। कुछ नहीं है। उसने मूर्ति के कलेजे पर हाथ रखा, माँ इसका सीना नहीं धड़कता, ये बेजान मूर्तियां होती है, बहम निकाल दे, बेटे बहू को परेशान करना छोड़ दे, डॉक्टर को फीस खिलाना छोड़ दे, माँ बहम निकाल दे, ये तेरी भक्ति है तेरी दीवानगी है। बूढ़ी माँ बोली डॉक्टर जब तू इतनी दूर आ गया तो बूढ़ी माँ पर एक एहसान कर दे,
मेरा लल्ला बहुत छोटा है, इसका सीना बहुत धीरे से धड़कता है, हो सकता है इसकी धड़कन तुमको हाथ से न महसूस हो पाती हो। तो अपनी बक्सा में एक मशीन रखता है, बूढ़ी माँ को स्टेथोस्कोप का नाम नहीं मालूम था, वो मशीन लगाकर मेरे लल्ला की चेकिंग करके सिर्फ इतना बता दे मेरे लल्ला का सीना ठीक से तो धड़क रहा है ना। डॉक्टर तो लगता पागल ही हो जाएगा, बोला हे भगवान अब इसको स्टेथोस्कोप लगाना पड़ेगा। फिर भी डॉक्टर ने गुस्से को कंट्रोल किया, मन में दबा करके बोला ठीक है माँ ये तेरी आखिरी इच्छा पूरी करता हूँ, उसके बाद तेरी बात ना सुनूंगा। गुस्से से ब्रीफ केस खोली, स्टेथोस्कोप निकाला, दोनों कान को सुनने वाले को कान में डाला और वो गोल वाला चक्कर था ना माँ को दिखाकर हंसी उड़ाते हुए बोला देख माँ तेरे सामने रख रहा हूँ, फिर ये ना कहना कि डॉक्टर ने चेकिंग ना करी। और वो गोल वाला चक्कर हंसी उड़ाते उड़ाते मूर्ति के सीने पर रख दिया, लेकिन जो ही सीने से लगाया वाह रे मुरली वाले तेरी माया। जो ही सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया पसीना जम कर आया। देख ये अद्भुत माया रह गया हक्का बक्का, पसीना लगा पहुंचने छूट गया उसका छक्का, पसीना लगा पहुंचने छूट गया उसका छक्का। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। सीना धड़क रहा था, डॉक्टर के होश उड़ गए, हे भगवान ये क्या देख रहा हूं मैं, संभल कर बैठ गया जो अभी तक मजाक कर रहा था। 100 बार स्टेथोस्कोप लगाया एक एक करके, हर बार देखा सीना धड़क रहा है, नब्ज चल रही है, ऐसे लगा जैसे नब्ज मुस्कुरा रहा है, नजरें मिला रहा है। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप निकाला, नीचे जमीन पे रखा, माथे पर हाथ मार कर बोला हे भगवान इस बुढ़िया को पागल समझ रहा था, कहीं मैं तो पागल नहीं हो गया। गर्दन नीची करके बैठ गया। बूढ़ी माँ बोली अरे डॉक्टर गर्दन नीची करके क्यों बैठा है, मेरा लल्ला तो सही सलामत है ना। डॉक्टर गर्दन उठाकर बोला माँ ये गर्दन तुम्हारे शर्म के झुक गई, तेरा लल्ला बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन तू बार बार ये मत बोल कि तेरे बेटे बहू ने गिराया, तेरे बेटे बहू ने नहीं गिराया माँ, ये रोग तो तेरा लगाया हुआ है। रोज अपने लल्ला को नहलाना धुलाना, नए नए कपड़े पहनाना, गोद में लेके उछालना, ये उछलने की आदत किसने डाली, लेकिन जब आज इसका जन्मदिन आया तो इसको खिलाना तो बहुत दूर की बात है, सेवा करना बहुत दूर की बात है, तू इससे मिलने भी नहीं गई, तू क्या समझती है सिर्फ तू इससे प्यार करती है, नहीं माँ तू जितना प्यार करती है ना 100 गुना ज्यादा प्यार ये तेरे से करता है। डॉक्टर उठा, लड्डू गोपाल को बूढ़ी माँ की गोद में दे दिया, फीस का जो रुपया लिया था निकाला जमीन पर फेंका, जिस बक्सा से कारोबार करता था ठोकर मारी जाने लगा। बूढ़ी माँ बोली अरे डॉक्टर पागल हो गया क्या, ये रुपया फेंक कर बक्सा छोड़कर कहाँ जा रहा है। डॉक्टर पलट कर बोला माँ जिसने तेरे लल्ला के दिल की धड़कन सुनी हो उसको जिंदगी में रुपये पैसे की जरूरत नहीं है। और इसने मुझसे नजरें मिलाई, ये मेरे को देखकर मुस्कुराया। साधु संत महात्मा कहते हैं एक बार जिस पर नजर डाल दे, एक बार जिसको देखकर मुस्कुरा दे वो इंसान इसी का हो जाता है, फिर दुनिया उसके लिए बेकार हो जाती है। अब ये दुनिया मेरे लिए बेकार हो गई माँ, ये मुझे नहीं छोड़ेगा, इसने मुझे पकड़ लिया। तो बूढ़ी माँ बोली तुझे करेगा क्या, जाएगा कहाँ, जाते जाते डॉक्टर क्या बोला जरा 2 लाइन सुनिएगा। देख तेरे लाल की माया जे बड़ा घबरा रहा हूं, जहां से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूं, जहां से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूं। बुला कर तुमने मुझको बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन
उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। एक एहसान कर दे तेरे लल्ला से कह दे, वहीं वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। वहीं वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। बनवारी तेरे लल्ला को, तुमको और तेरे लल्ला को कोटि न कोटि प्रणाम। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। एक लाइन गा दीजिए ताली बजाकर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय जय राधे राधे जय, जय श्री कृष्णा कृष्णा कृष्णा।